Subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. तो हमने अपने पहले वीडियो में किया था कि मेंडल ने इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट और पाइसम सैटिवम पे। तो अगर हम एक इनहेरिटेंस को स्टडी करना है तो उसके टू वेज हैं कि या तो हम लोग वन कैरेक्टर एट ए टाइम स्टडी करें या टू कैरेक्टर्स। अगर हम वन कैरेक्टर को स्टडी करते हैं या फिर हम कह सकते हैं वन पेयर ऑफ जीन्स बिकॉज वन कैरेक्टर हैज़ टू जीन्स, ठीक है। तो अगर हम वन कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ जीन्स को स्टडी करें एट ए टाइम दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर हम टू पेयर ऑफ जीन्स या फिर टू कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो उसे कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। तो हमें ये तो पता चल गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल पेयर ऑफ जीन्स की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। बट उन्होंने ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया? तो मेंडल ने क्या किया, ही पॉलिनेटेड प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ पेरेंट प्लांट्स, ही कॉल्ड देम पेरेंटल प्लांट्स। सो मेंडल ने पेरेंटल प्लांट्स लिए टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सपोज करो कि अगर टॉल प्लांट मेल था और ड्वार्फ प्लांट फीमेल था तो उन्होंने टॉल प्लांट के पोलन ग्रेन्स लेकर ड्वार्फ प्लांट के पिस्टल के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए और पॉलिनेशन करवा दी। तो ये पॉलिनेशन होने के बाद जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई दैट वाज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो जो सारी F1 जनरेशन थी वो टॉल थी, ठीक है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो वो सारी प्योर टॉल हो या वो हेट्रोजाइगस टॉल हो, आइदर होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी F1 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन जो थी उसके अंदर 75% मतलब 4 में से 3 जो थे वो टॉल थे और 25% एक ड्वार्फ था। तो यहाँ पर ड्वार्फनेस का करैक्टर F2 जनरेशन में दोबारा देखने को मिला, ठीक है, जो कि F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिला था। चाहे जो पेरेंटल प्लांट था वो एक ड्वार्फ था बट जो F1 जनरेशन थी वो सारी टॉल थी। तो अब अगर तो जो हमारी F1 जनरेशन थी वो अगर प्योर टॉल होती, ठीक है, तो यहाँ पर ड्वार्फनेस का करैक्टर दोबारा नहीं आता क्योंकि उसके अंदर टॉलनेस का ही गमीट होते हैं ना, उसके अंदर ड्वार्फनेस का गमीट तो होता ही नहीं। तो फिर यहाँ पर F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस का करैक्टर दोबारा नहीं आता। बट यहाँ पर ड्वार्फनेस का करैक्टर दोबारा आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी F1 जनरेशन थी वो हेट्रोजाइगस टॉल थी, मींस कि उसके अंदर ड्वार्फनेस का एलील भी प्रेजेंट था, ओके। सो मैं आपको ये इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस एक्सप्लेन करती हूँ। सो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स लिए पेरेंट प्लांट्स, और ये होगी उनकी फिनोटाइप कि फिजिकल अपीयरेंस क्या थी, और जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो उसके बाद उन्होंने जो पेरेंट प्लांट्स ने गेमेट प्रोड्यूस किए वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। उसके बाद जब उनकी पॉलिनेशन करवाई गई तो F1 जनरेशन जो थी वो सारी हाइब्रिड टॉल फॉर्म हुई। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि दिस क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, दिस कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी एंड द प्रोजनी वॉज प्रोड्यूस, राइट। तो ये सारी हेट्रोजाइगस टॉल प्रोड्यूस हुई। ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हेट्रोजाइगस टॉल थी, ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज जो हमारी F2 जनरेशन थी उसके अंदर ड्वार्फनेस का करैक्टर प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसकी, जैसे अभी हमने बात की कि उन्होंने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल तो जो गेमेट्स प्रोड्यूस हुए वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और F2 जनरेशन क्या प्रोड्यूस हुई, एक होमोजाइगस टॉल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ और दो हेट्रोजाइगस टॉल। तो जो होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल थे वो अल्टीमेटली क्या थे, उनकी फिनोटाइप जो थी वो तो टॉल ही थी ना, तो क्योंकि वो देखने में तो हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में, सिर्फ उनकी जीनोटाइप में फर्क होता है, बाकी उन दोनों की फिनोटाइप
सेम थी। ओके तो अगर हम जीनोटिपिकली बात करें, मतलब अगर हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो एफ्टो जनरेशन कितनी टाइप की है? थ्री टाइप्स की, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। ओके तो उसके बाद हमारी जीनोटाइप रेशो क्या होगी? जीनोटिपिक रेशो आ गई 1:2:1। बट यही अगर हम लोग फिनोटाइप की बात करें, फिनोटिपिकली अगर हम बात करें, तो टू टाइप्स की हो गई एफ टू जनरेशन, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, क्योंकि जो हमारे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टॉल थे, वो दोनों भी फिनोटिपिकली टॉल ही हैं, तो उन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 3 tall and 1 dwarf, तो फिनोटाइप हो गई 3:1, दैट इज 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ। सो आप में से बहुत जानों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हमें फिनोटिपिकली, मतलब फिजिकली होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता, फिर प्रोजनी में उन्हें कैसे पता चला कि कौन सा प्लांट होमोजाइगस टॉल है, कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है, या जो ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस हुआ है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? तो उसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल के लिए, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया जो हम आगे स्टडी करेंगे। बट होमोजाइगस ड्वार्फ है या हेट्रोजाइगस ड्वार्फ है ये कैसे पता लगाया, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो मेंडल ने क्या किया, जो एफ टू जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट्स आए ना, उन्होंने उसे क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा जो सारी प्रोजनी प्रोड्यूस हुई वो ड्वार्फ थी। तो इसका मतलब कि अगर कोई टॉलनेस का करेक्टर नहीं आया, तो जो एफ टू जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो होमोजाइगस ड्वार्फ हैं, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस होते तो यहाँ पर प्रोजनी के अंदर टॉलनेस का करेक्टर भी दिखता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि सारी की सारी जो ड्वार्फ प्लांट्स थे वो होमोजाइगस ड्वार्फ थे, उन्होंने दोनों गैमीट सेम प्रोड्यूस किए, तो इसके कारण सारी जनरेशन जो थी वो ड्वार्फ प्रोड्यूस हुई। ओके थोड़ी देर पहले हमने एक मेथड किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करने का, बट हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक और मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन से जीनोटाइप के प्रोड्यूस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक बड़ा स्क्वायर है, इसके दो साइड्स, ठीक है, एक साइड के बाहर हम लोगों को होमोजाइगस टॉल लिख देंगे, एक साइड के बाहर होमोजाइगस ड्वार्फ। आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे अब होमोजाइगस टॉल है वो दो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल टी स्मॉल टी। वो हमें करना क्या है कि हमने अब इस हर जो सेल है उसके अंदर क्या आएगा आंसर, वो हमें पता चलेगा जब हम लोग रो और कॉलम को क्रॉस करेंगे। लाइक ये रो है, इसके बाहर कैपिटल टी है, और ये कॉलम है स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस किया तो आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी कौन सी रो है, इसका है कैपिटल टी और कॉलम स्मॉल टी, हमने रो और कॉलम को क्रॉस करके लिख देना है। तो इसका मतलब सारे जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई एफ वन जनरेशन वो है हेट्रोजाइगस टॉल, क्रॉस में भी यही हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो एफ वन जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा देंगे, सेम तरीके से लिख देंगे दोनों प्लांट्स को, यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस टॉल, दोनों ने गैमेट्स प्रोड्यूस किए जिनकी हमने पॉलिनेशन करवाई, क्रॉस किया तो ये सब जीनोटाइप्स प्रोड्यूस हो गई। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइक यहाँ पर रेशो से हमें पता चल जाएगा जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो क्या होगी। तो ये एक और तरीका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करने का। अब हम इनकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक जीनोटिपिक रेशो आ गई 1:2:1, फिनोटिपिक रेशो 3:1। सो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मेंडल ने इस क्रॉस से क्या कंक्लूड किया और इससे कौन कौन से लॉज बनाए। थैंक यू।